तब जब वो भगवान की कथा सुनते तब होता है श्रवण अनुभूति। जब कीर्तन करते हैं तब होता है कीर्तन भक्ति, किसी प्रकार स्मरण करते हैं स्मरण भक्ति, अर्चन करते हैं अर्चन भक्ति, सब भक्ति, सब स्तुति करते भक्ति, दास्य करते भक्ति, सब भक्ति। लेकिन पहला आत्मा को देना चाहिए भगवान को, समझना चाहिए। पूरा तो नहीं दे सकता है शुरू में साधन में, लेकिन मायूर कहूं यही आत्मनिवेदन व आत्मसमर्पण करते हुए ही साधन करना चाहिए। एक नंबर, इति पुंसार पिता विष्णु भक्तिश्चिन्नव लक्षणा क्रियेत भगवती अध्या, क्रियेत भगवती अध्या, भगवान के लिए साक्षात भाव जब करे, भगवान की प्रति के लिए यही श्रवण ही कीर्तन ही स्मरण अर्चन वंदन आदि यही नवविधा भक्ति जब साक्षात भाव से भगवान के लिए करे, धर्म अर्थ काम अथवा मोक्ष के लिए नहीं करे, तब उसको मायुक्तम अध्ययन संस्था तनमन्येधि तम उत्तमम हे पितो, उसको ही मैं उत्तम अध्ययन समझता हूं। इसलिए कहता हूं कि उत्तमा भक्ति व शुद्ध भक्ति व उत्तमा विद्या कब होगी, जब भगवान के लिए श्रवण कीर्तन स्मरण आदि करेंगे तब। ये मुख से कहने से नहीं होता है, जब संबंध होता है तब तो कर सकेंगे। दे दो भगवान की पूजा के लिए 10 रुपया, ये चैरिटी करते हैं, ये भक्ति नहीं। भक्ति करने से ये तो उनकी सेवा मुझे मिल जा मरा हो भाग, अहो भाग मेरा। जैसा पति जब अपना पत्नी को सती साधी स्त्री को कहे गए एक गिलास पानी जाओ, पैर से दौड़ के लिए आते पानी, इसलिए ओह मेरा पति देवता मेरा हाथ से पानी लेते, सुख मांगते, ऐ रोशी करो आज तक रोज ऐसा खास सब्जी बनाओ, तो बहुत आनंद से सब्जी बनाओ, जो सब्जी मांगती, किस लिए? पोते की रुचि अनुसार चलने के लिए थी चार स्त्री का। रुचि अनुसार जब चल पाए तब तो पोते को कब्जा मिले आएंगे, जितना बड़ा पहलवान हो जाए पोते, कमांडर इन चीफ हो जाए कुछ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन यूनियन अथवा यूनो का प्रेसिडेंट हो जाए कुछ पहलवान, कब्जा में ले आएगा। भक्ति कैसा तेज है, भक्ति रे, मेरी बात नहीं है, श्रुति का मंत्र है, भक्ति रे वही नंग नयती, भक्ति रे वही नंग दर्शयती, भक्ति वश पुरुष, भक्ति रे वूय गोपाल तापन श्रुति। श्रुति में कहते हैं भक्ति ही प्रीति ही, भक्ति मतलब सेवा व प्रीति, भक्ति ही भगवान को पास ले जाते हैं भक्त को। भक्ति रे वही नंग नयती, भक्ति रे वही नंग दर्शयती, वही भक्ति वृत्ति वही सेवा अथवा प्रीति ही भगवान को दर्शन करती। भक्ति ही वश पुरुष, पुरुष अर्थात परम पुरुष भगवान भक्ति का वशीभूत होता है, भक्ति द्वारा कब्जा में आ जाते हैं, मुठी के अंदर में आ जाते हैं। भक्ति वश पुरुष, आप लोग तो प्रत्यक्ष है, माफ कीजिए इफ आई एम हर्ष, डोंट माइंड एनीथिंग लाइक दैट। आप लोग देखिए पिता माता इतना रोज लालन पालन किया, एक एक आदमी बुढ़ा बन गया, पिता माता बुढ़ा बुढ़ी है, लेकिन स्त्री जब घर में आई उसका बाद सेवा करने लगी, सेवा करते करते पिता माता को दूर कर दिया, सेकेंड हैंड इंपॉर्टेंस हो गया पिता माता, लेकिन फर्स्ट प्लेस दखल किया स्त्री, किया नहीं, पति को कब्जा में नहीं लिया है स्त्री, कैसे लिया है, सेवा करा लिया है, पिता माता से अधिक सेवा करते हैं, पिता माता से अधिक सुख देते हैं स्त्री, इसलिए स्त्री की प्राप्ति पिता माता की प्राप्ति से अधिक है, क्वाइट नेचर, लेकिन बेकानून काम नहीं, नेचुरल फंक्शन।
To every action there is equal and opposite reaction. Pita Mata seva karte hain, lekin dil khol ke seva nahi karte. Pita Mata ka dil putra kanya ke paas us ansha chhipa rehte hain. They cannot reveal their whole heart to their children. Pura dil ko khol nahi sakta. Sarvangsha open nahi kar sakta. Lekin stri पिता माता जैसा नकर का माफिक सेवा करती, स्त्री भी नकर नकरानी का माफिक सेवा करती। पिता माता जैसा दोस्त का माफिक सल्ला परामर्श देती, सती स्त्री भी दोस्त का माफिक सल्ला परामर्श देती। पिता माता जैसे स्नेह द्वारा लालन पालन करती, सती स्त्री भी पति को लालन पालन करती, सेवा वृत्ति द्वारा पालन करती, खिलाती पढ़ाती सुहाती सब कुछ करती। लेकिन इसके अलावा पिता माता सर्वंग द्वारा सर्वेंद्रिय द्वारा पति की सेवा पुत्र की सेवा नहीं करते, परंतु सती स्त्री सर्वेंद्रिय द्वारा सर्वंग द्वारा सर्वभूत भाव से पति की सेवा करते। इसलिए पति को अधिक प्राप्त कर लेती है सती स्त्री, पिता माता से अधिक दखल कर लेती है। स्वाभाविक है, कुछ ताज्जुब नहीं है, अननेचुरल नहीं है। एक करेंगे जरूर, होगा जरूर, नहीं होने से अननेचुरल। इस माफी भगवान कहते हैं, सुति ने कहते हैं गोपाल तापन, भक्ति वश पुरुष, पुरुष जीव भी भक्ति वश और परम पुरुष भगवान भी भक्ति वश, भक्ति का वश पुरुष। इसलिए कहते हैं भक्ति रे बभूयसी, इसलिए निश्चय भक्ति भूयसी गरियसी श्रेष्ठ, भक्ति श्रेष्ठ। इसमें भी का और कोई नहीं, वही भक्ति कैसे कर सकेंगे, नाम भजन एक भक्ति कैसे किया जाए, घमंड भी रहने से सेवा नहीं कर सकता। इसलिए कहा त्रिनादपि सुनिचे, भक्ति को भी नहीं होगी जिसके अंदर में घमंड भी का बना है। माए बड़ा धार का लड़का हूं, माए धनी का लड़का हूं, माए बड़ा सुंदर हूं, मैं बड़ा बलवान हूं, माए बड़ा पंडित हूं, इत्यादि जन्म ऐश्वर्य पांडित्य रूप यौवन आदि किसी का घमंड भी वर्तमान रहने से भक्ति नहीं कर पाते। चाहे दीनता, भक्ति मतलब सेवा, किसको सेवा करेंगे? शैव को जब श्रेष्ठ का दर्शन नहीं हो जाए, शैव का भगवान का गुरु का भक्त का साधु का श्रेष्ठता जब अनुभव नहीं हो जाए, तब कैसे उनकी सेवा कर सकते? सेवा नहीं होता है। बाहर में गुरु कहते हैं, सेवा साधु महात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं, प्रैक्टिकली उनको दया करते हैं, अरे भगवान का भोग चलाया जैसे कुछ मेहरबानी कर दिया भगवान, भगवान को भोग चलाया है, नैवेद्य लगाया है, फूल हार दिया है, ओ बहुत मेहरबानी कर दिया, एज इफ एक गिफ्ट किया, दान किया भगवान को। तुम कहां से मालिक बना दो तो दान करते हैं, कहां से मालिक बना तुम? मालिक तो तुम्हारा मालिक है भगवान, तुम्हारा इंद्रियों का मालिक है भगवान, दुनिया का सारी चीज का मालिक है भगवान, तुम मालिक बनते हो, दान करते हो भगवान को, मूर्ख। इसलिए भक्ति इसी प्रकार गम्भ रहने से भक्ति नहीं होती है, कर्म होता है। कर्म करते कर्तव्यमान से वो क्रिया करते, वो कुछ देता है, इदम नई विदम अमुकार कर दिया बस, ये है कर्म। मैं करता हूं कर्तृत्वाभिमान है, इससे गुरु को कुछ दिया, साधु को कुछ दिया, दान करते सेवा नहीं करते, सेवा करने से भक्ति। जब विचार होता है पूज्य तो भक्ति, मैं दिया उनको कृतार्थ कर दिया, ये विचार भगवान को नहीं देते चलाया, भगवान को कृपा कर दिया, जैसे नहीं देने से भगवान भूखा मर जाएंगे, ये भक्ति नहीं, कर्म है। देखने में भक्ति का मापी लेकिन हाय वास्तव में कर्म। इसलिए कहते हैं भक्ति कैसे करेंगे,
त्रिनादपि सुनिचेना। अभिमान जब लेके तुम करोगे, धमंदी लेके भगवान का नाम करने को जाओगे, तब भुक्ति नहीं होगी और हर वक्त गड़बड़ हो जाएगा, रोका बका होगा। इसलिए त्रिन से भी सुनीच हो जाओ। घास, त्रिन मतलब घास, घास का अभिमान है, दुनिया का मैं हूं, दुनिया का घास हूं, लेकिन बात नहीं करते उसके ऊपर। जूती लेके आप चलेंगे, बात नहीं करेंगे, बस सिर दबा देगा। गैया भैंसा बकरी भी चले तब भी सिर को नीचू रखेगा, झगड़ा नहीं करेगा। तो तुम मेरा ऊपर सिर पैर का लगाया किस लिए, बात नहीं करता है, घास दब जाते। लेकिन जब पैर उठा लेते हैं, सिर खड़ा कर देते हैं, मैं तो दुनिया का घास हूं। इसमें भीग नहीं करना, तुम दुनिया का है ही नहीं। त्रिन का, घास का भी थोड़ा अभिमान है, मैं दुनिया का हूं, तुम तो दुनिया का ही है नहीं। आत्मा तो दुनिया का पैदा हुआ वस्तु नहीं है, आत्मा तो भगवान का है, वही तुम तो वस्तु है। तुम नारायण कहा, तुम राम जी कहा है, तुम भगवान कृष्ण कहा है, तुम तो दुनिया का है। इसलिए ही दुनियादारी का अभिमान त्याग दो। त्रिनादपि सुनिश का मतलब दुनियादारी का अभिमान त्याग दे, वैकुंठ अभिमान जागृत करो, माय भगवान का ये अहंकार जागृत करो, उसमें बंधन नहीं होगा, मुक्ति हो जाएगी। दुनिया का अभिमान से होता है बंधन, इसलिए त्रिनादपि सुनिश्चेना। फिर कोई कष्ट आने से, कोई तकलीफ दिया, कोई आदमी गाली दिया, जैसा सांप फोस करके काटने को तैयार होता है, ऐसा नहीं करना। तरोपि सहिष्णुना, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, वृक्ष से भी सहनशील हो जाओ। जब सहनशील नहीं होगे तब अक्सर झगड़ा चलेगा, स्वामी स्त्री लड़ाई चलते रहेगा, पिता पुत्र में लड़ाई होगा, भाई भाई बहन बहन झगड़ा ही चलते रहेगा। सहनशील का नहीं है, वहां मुझे गाली दिया किस लिए, मुझे गाली दिया किस लिए, मुझे अपमान किया, बस शुरू हो गया मेरा दिन। क्या भगवान की चिंता करेंगे, भगवान को सोच नहीं सकेंगे, मेरा दिन तो अभिमान में आघात पर चोट लगा था, कुछ भी मत हो गया, बस दिल भगवान का चरण कमल को छोड़ के दूसरा धंधा में फंस गया, साधन में हरज होगा। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने संकीर्तन धर्म प्रवर्तन किया, उन्होंने उपदेश कर दिया तरोपि सहिष्णुना। दृष्टांत इसलिए दिया, वृक्ष को काटने से भी, उसका शाखा काटने से कुछ पास नहीं करते, परंतु जो काटते हैं वही फिर जब उनको पास फल लेने के लिए जाते, फल देते, ये मेरा अनिष्ट किया, नुकसान किया, उसको फल नहीं दूंगा, ये बात वृक्ष नहीं करते। धूप का समय में, बारिश का समय में स्वयं वृक्ष धूप सहन करते हैं, बारिश सहन कर लेते हैं, परंतु जो उनको कष्ट दिया, डाल तोड़ा, पत्ता तोड़ा, कष्ट दिया, वो जब आते तब उनको छाया देते, स्वयं धूप सहन करते हैं, बारिश सहन करते हैं, परंतु जो कष्ट दिया उसको छाया करते, अपना धन से छाया करते। इस माफिक साधन करना चाहिए, जब साधन में सिद्धि चाहो, हरि भजन में सिद्धि चाहने से इसी प्रकार अभ्यास करना पड़ेगा, समझ कर, अंधविश्वास का जरूरत नहीं, समझ के करना। तरोपि सहिष्णुना, वृक्ष से भी सहनशील हो, जैसा तुम्हारा दिल बिगाड़ नहीं जाए, चंचल नहीं हो जाए। लेकिन सहनशीलता हम लोग के अंदर बहुत कम है। एक बात स्त्री कहे पति को तो पति तीन बार सुनाएगा पत्नी को, और पति एक बार स्त्री को कहे तो पत्नी सात बार सुनाएंगे पति को। पुत्र को एक बात है, थोड़ा डांटेगा पिता, पिता को दस गाली देगा पुत्र, क्योंकि सहनशीलता है। इससे फैमिली लाइफ भी अनडिजर्वल हो जाता है, पेनफुल होता है, पारिवारिक जीवन भी विषमय हो जाता है, सामाजिक जीवन विषमय हो जाता है। इसलिए चाहिए सहनशीलता, सहनशीलता चाहिए। तरलोपि सहिष्णुना, आओ दुई गुण, अमानीना मानते, मान के लिए जब ज्यादा मांग रहे, सम्मान के लिए, जोश के लिए,
जब ज्यादा चाहिदा रहे तब अशांति हो, तुम्हारा चित्त विक्षेप हो जाएगा। गौतम मुझे मन नहीं दिया, वो तो मुझे जश नहीं दिया, हर वक्त चित्त विक्षेप होगा। इसलिए अमानी, अमानी कैसे हो सकूंगा? अपना कसूर को देखो, अपना डिफेक्ट तुम देखो, देखने की कोशिश करो तब तो उसको सुधार सको। यू कैन रेक्टिफाई योर सेल्फ, यू कैन डिटेक्ट योर ओन डिफेक्ट। इसलिए अपना डिफेक्ट को देखो, देख के उसको सुधारो। लेकिन दूसरा से तुम बहुत, तुम्हारा गुण, हमारा यही गुण है, हमारा यही गुण है, हमारा यही गुण है, हजारों गुण अपना तारीफ तुम समझते हो, अपना कसूर नहीं देखते हो, इससे अमानी नहीं हो सकता। इससे दिल में अशांति चले, भजन में रुकावट हो जाए। अमानी और मान देव, दूसरा को मान दान करो। कैसे देगा? भाई ब्राह्मण हूं, वो तो चमार, कैसे उनको मान दिया जाए? मैं इतना बड़ा विद्वान हूं, अरे ये तो मूर्ख है, कुछ लिखा पड़ा नहीं, जल्दी कैसे उनको मान दिया जाएगा? मैं तो जवान हूं, ये तो दुबला आदमी है, कैसे उनको मान दूंगा? मैं इतना धनी हूं, तो गरीब है, खाने को नहीं मिलता, मेरा पास भिक्षा मांगने के लिए आता है, कैसे मान दिया गया? तो हम कहते देखो, और कुछ नहीं मिले, तुम्हारा इष्ट देव इनका दिल में विराजमान। जब मंदिर में कोई पत्थर का मंदिर, ईटा का मंदिर, मट्टी का मंदिर में तुम्हारा इष्ट देव की मूर्ति रहती, तुम वही मंदिर का पास जाके प्रणाम करते हो, तो मट्टी का घर, ईटा का घर, पत्थर का घर में वहां पर जाके प्रणाम करते हो, अपना इष्ट देव महाराज्य देव विराजमान। इसलिए जिदे सम्मान दिवे जानी कृष्ण अधिष्ठान, हरेव जीव का हृदय में कृष्ण का अधिष्ठान है, यही तुम्हारा आराध्य देव का उपास्य वस्तु का अस्तित्व अवस्थान अधिष्ठान हरेक जीव के अंदर में है। कम से कम यही देख के भी तुम उनको सम्मान करो, जीव को मर्यादा दो, मानदान करो। इसी प्रकार अमानी होके और मान दे के निरंतर हरि कीर्तन करो। जब मान नहीं दोगे तो गुस्सा करेगा, तुमको हर वक्त कीर्तन में रोका पड़ा करेगा, कीर्तन करने को नहीं देगा, हम करेंगे ऐसा के तैसा करेगा। इसलिए मान देना अच्छा बात है, सब कुछ को मान देने कीर्तन करना। टाइम हो गया, अभी कौन कीर्तन करेंगे?